तो स्वागत है आपका अपने चैनल पोस्टल एग्ज़ाम गुरु पर। तो आज दोस्तों जो है हम बात करेंगे सेविंग बैंक अमेंडमेंट्स की। आप लोग जानते हैं कि काफ़ी जो सेविंग बैंक्स के कई रूल हैं वो 2019 में अमेंड हो गए हैं, और आपको पता है कि अब आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला, तो जो भी आएगा वो लेटेस्ट जो भी है वही पूछा जाएगा। इसलिए मैंने जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स हुए हैं लगभग सभी स्कीमों में सेविंग बैंक की, उसके बारे में ये वीडियो आज मैं आपको दे रहा हूँ। और जो मेरा मास्टर वीडियो है ऑलरेडी बैंकिंग पे उपलब्ध है, तो उसमें कई चीज़ें बताई गई जो चीज़ें अमेंड हो गई। अगर आप मेरा वो वीडियो देखते हैं तो वो वीडियो पूरा देखिए, और उसके बाद ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कम कुछ ना कुछ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो MTS एग्ज़ाम हो, चाहे पोस्टमैन एग्ज़ाम हो, चाहे GS2 PA हो, चाहे LGO हो, चाहे इससे बड़ी बड़ी जो विभागीय परीक्षाएँ, चाहे IP एग्ज़ाम हो या PS ग्रुप भी हो, और सेविंग बैंक स्कीम्स से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए बिना कोई और देर किए आगे की स्लाइड पर चलते हैं। और अब तक आपने हमारा जो चैनल है ये पोस्टल एग्ज़ाम गुरु सब्सक्राइब कर ही लिया होगा ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए इसमें मैंने जो रेड कलर से आपको दिया है बिफोर अमेंडमेंट, और ग्रीन कलर के बाद येलो कलर से जो हाईलाइट है न्यू अमेंडमेंट। तो मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि न्यू अमेंडमेंट अगर आप उसको कंपेयर करना चाहते हैं तो आप स्वयं से कर सकते हैं। तो मैं जो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो बताऊंगा कि प्रेजेंट में क्या है। तो पहला है सेविंग अकाउंट बचत खाता, तो इसमें टाइप ऑफ अकाउंट में अमेंडमेंट हुआ है, कैन नॉट ओपन पेंशन एंड बेसिक सेविंग अकाउंट। तो अब जो है POSB के अंतर्गत आप पेंशन का अकाउंट और बेसिक सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। बेसिक सेविंग अकाउंट ये होता था कि बिना KYC के भी अकाउंट्स खुलते थे और जीरो बैलेंस के भी अकाउंट ओपन हो जाते, तो वो अब आप नहीं ओपन कर पाएंगे। यानी कि जो सेविंग बैंक में अब आपको पेंशन अकाउंट्स नहीं खोल सकते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच टाइप ऑफ अकाउंट कैन नॉट बी ओपन अंडर सेविंग बैंक अकाउंट स्कीम, या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आप ये जान जाइए कि नो वन कैन ओपन पेंशन अकाउंट एंड बेसिक सेविंग अकाउंट। दूसरा है माइनर अकाउंट के बारे में चेंजेस हैं, माइनर कैन ओपन एनी ऑफ दी अकाउंट्स अ गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर हु हैज अटेंड द एज ऑफ 10 ईयर इन हिज ओन नेम। यानी माइनर किसी भी प्रकार का जो है अकाउंट खोलेगा, या तो उसके बिहाफ पे उसका गार्जियन, माइनर के बिहाफ पे गार्जियन, या जो वो 10 ईयर्स की एज है अटेंड कर लेगा, तो वो सेल्फ अपने नाम से अकाउंट खोल सकता है। ज्वाइंट अकाउंट्स, तो अब केवल 2 एडल्ट्स ही ज्वाइन कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में। पहले था कि 2 या 3 कर सकते थे, लेकिन अब बिल्कुल ये ध्यान रखें कि सेविंग अकाउंट में अगर ज्वाइंट अकाउंट कोई खुलवा रहा है, आइदर ज्वाइंट या और ज्वाइंट भी, तो 2 से अधिक अकाउंट होल्डर नहीं हो सकते हैं। अगला देखते हैं, अगले चेंज नंबर ऑफ अकाउंट्स, एन इंडिविजुअल कैन ओपन ओनली 1 सिंगल अकाउंट एंड 1 जॉइंट अकाउंट। पहले क्या था कि आपको पता है कि एक डाकघर में एक अकाउंट खुल सकता था, लेकिन अब जो है सीधा नियम हो गया है कि एक आदमी केवल एक ही खाता खुलवा सकता है, और एक सिंगल और एक जॉइंट अकाउंट मिनिमम अकाउंट फॉर अकाउंट ओपन। अगर आप SB का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और उसका मिनिमम जो है, तो उसका मिनिमम अमाउंट है आपका 500 फॉर ऑल अकाउंट्स। तो अब जो भी SB खाता आपका खुलेगा वो 500 रुपये से खुलेगा। मिनिमम अकाउंट फॉर सब्सिक्वेंट डिपॉजिट, यानी कि अगर आपने खाता खुलवा लिया, अगला डिपॉजिट आप करना चाहते हैं तो कितने रुपए का मिनिमम डिपॉजिट होगा, तो किसी भी SB अकाउंट में 10 रुपये का ही मिनिमम डिपॉजिट जो है वो आपका होगा। मिनिमम अमाउंट फॉर विड्रॉल, तो पहले आप जानते हैं कि कैश से 1 रुपये था और चेक अकाउंट में 20 रुपये था, तो अब मिनिमम अमाउंट ऑफ विड्रॉल जो हो गया है वो हो गया ₹50, यानी 50 रुपये से कम का विड्रॉल आप नहीं कर सकते। चलिए ट्रांजैक्शन, तो पहले क्या था कि पैसा अलाउड था, लेकिन न्यू अमेंडमेंट में अब पैसा अलाउड नहीं है जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा। जैसे ये नहीं है कि 50 रुपये 50 पैसे आप जमा नहीं कर सकते, तो जो भी होगा आपका होल रुपीज़ में होगा। मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड, कितना आपको मिनिमम बैलेंस रखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 500 रुपये से अकाउंट खुलेगा भी और 500 रुपये आपका SB अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रहना चाहिए।
ठीक है। फिर विड्रॉल क्या है, नॉट अलाउड बिलो मिनिमम बैलेंस, प्रेजेंटेशन ऑफ पासबुक इज मैंडेटरी। आपको ये पता था कि बीच में एसबी ऑर्डर आ गया था कि प्रेजेंटेशन ऑफ पासबुक जो है विड्रॉल में मैंडेटरी नहीं है, तो उसको अब फिर से जो है प्रेजेंटेशन ऑफ पासबुक को मैंडेटरी कर दिया गया है और अब मिनिमम बैलेंस से बिलो का विड्रॉल नहीं होगा। पहले ये होता था कि आप मिनिमम बैलेंस जैसे मान लीजिए 50 रुपीज़ था, आप विड्रॉल कर सकते थे, आपको कुछ ही समय में उसको मेंटेन करना होता था, लेकिन अब आप विड्रॉल जो मिनिमम बैलेंस है मान लीजिए तो नहीं कर पाएंगे उससे कम का। नॉमिनेशन, पहले आपको पता था कि सेविंग बैंक अकाउंट में नॉमिनेशन क्या था, ऑप्शनल था, आप चाहे कराएं या ना कराएं, लेकिन अब किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट में नॉमिनेशन मैंडेटरी हो गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि सेविंग बैंक अकाउंट में नॉमिनेशन जो है मैंडेटरी हो गया है। एक सेकेंड दोस्तों, चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अब आते हैं चेकबुक पर। चेकबुक कंटेनिंग 10 लीव इशूड एट फ्री ऑफ कॉस्ट इन ए कैलेंडर ईयर, सब्सिक्वेंट इशू ऑफ चेकबुक शैल बी चार्ज एट ₹2 पर चेक। तो आपको 10 लीव वाली जो चेकबुक होगी एक कैलेंडर ईयर में आपको फ्री ऑफ कार्ड जारी की जाएगी। अगर उससे ज़्यादा की आप चेकबुक चाहते हैं तो जो भी आपको सब्सिक्वेंट इशू होगा ₹2 प्रति चेक की दर से चेकबुक आपको इशू की जाएगी। फिर है क्या, अकाउंट मेंटेनेंस फीस, कि अकाउंट ₹100 शैल बी डिडक्टेड व्हेन बैलेंस इज लेस देन ₹500। तो अकाउंट मेंटेनेंस की पहली बात तो ये जान लीजिए कि कोई फीस नहीं है, लेकिन अगर आपका बैलेंस 500 से बिलो जाता है, या मान लीजिए जैसे अभी ये नया अमेंडमेंट है, मान लीजिए कि आपका अकाउंट चल रहा है अभी भी और मान लीजिए उसमें 400 रुपीज़ ही हैं, तो डाक विभाग जो है ₹100 डिडक्ट करेगा। अकाउंट नॉट बियरिंग इंटरेस्ट अलाउड ट्रेटेड डिलीटेड। तो पहले क्या था कि आपको पता है कि बहुत से अकाउंट ऐसे थे कि बहुत लोग जैसे कि इंटरेस्ट का पैसा नहीं लेते हैं, तो वो अकाउंट खुलवा सकते थे, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा होता था, उस पर इंटरेस्ट ड्रॉ नहीं होता था। अब इस क्लॉज को डिलीट कर दिया गया, यानी कि अब बिना ब्याज वाला कोई भी SB अकाउंट नहीं रहेगा, जो भी SB अकाउंट खुलेगा उस पर ब्याज ज़रूर ड्रॉ होगा। चेक डिसऑनर्ड फी, अब अगर मान लीजिए कि आपने कोई चेक जारी कर दिया, वो चेक डिसऑनर हो गया यानी कि जिसको बाउंस हो गया, तो आपको ₹100 प्लस GST देना होगा, यानी कि ₹100 वो हो गया, GST आपके 18% है इस समय, तो आपको ₹118 चेक डिसऑनर फी कटेगी। मान लीजिए आपका बैलेंस अगर ₹10,000 है और आपने किसी को 11,000 का चेक दे दिया, तो वो डिसऑनर हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, या चेक में मान लीजिए कोई और कमी भी, तमाम कमियां होती हैं, आपने कोई भी कमी कर दी तो भी बैलेंस होने के बावजूद भी चेक डिसऑनर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने सिग्नेचर दूसरे बना दिए, तो ऐसी दशा में आपका अगर चेक डिसऑनर होगा तो आपको ₹100 चार्ज है प्लस GST अतिरिक्त दे है सेविंग बैंक अकाउंट के मामले में। अब अगला आते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे आप RD कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या आवर्ती जमा खाता कहते हैं। इसमें जॉइंट अकाउंट अब जो है 2 या 3 लोग जॉइंट हो सकते हैं। मिनिमम अकाउंट फॉर अमाउंट फॉर अकाउंट ओपन, अब जो है इसका न्यूनतम ₹100 से RD खुलेगा, इसके बाद आप 10 के मल्टीपल में खुलवा सकते हैं, यानी ₹110 ₹120 का खाता आप खुलवा सकते हैं। RD लोन अमाउंट, तो ये मल्टीपल ऑफ ₹10 में होगा, यानी अगर आप RD से लोन लेना चाहते हैं और मान लीजिए कि आपका ₹5,500 है, तो आप 10 के मल्टीपल में ही निकालेंगे, जैसे 4,500 निकालेंगे, लेकिन 4,505 नहीं निकालेंगे, तो RD लोन अमाउंट अब मल्टीपल ऑफ ₹10 में होगा। दोस्तों ये क्या हो रहा है, RD लोन इंटरेस्ट, तो अब RD पे अगर आपने लोन ले रखा तो उस पर इंटरेस्ट रेट क्या है, तो जो करंट RD इंटरेस्ट होगा प्लस 2%। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, क्योंकि पहले TD का इंटरेस्ट ले आता था, तो अब प्रेजेंट में अगर आपने RD पे लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट होगा RD इंटरेस्ट प्लस 2%। प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम, RD में आप जानते हैं प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम एक चलती है, एज नॉट मोर देन 55 एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपन। तो पहले ये लिमिट थी 53 साल, अब इसको बढ़ा करके 55 साल कर दिया गया है अकाउंट ओपनिंग के समय। मैच्योरिटी वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ ₹100 डिनोमिनेशन। तो पहले तो अब जो प्रोटेक्टेड सेविंग RD स्कीम है, अगर उसका डिनोमिनेशन पूछा जाए तो वो ₹100 हो गया है। आते हैं TD पे, जॉइंट अकाउंट, 2 or 3 एडल्ट कैन ओपन। अगर कोई भी TD अकाउंट है, चाहे 1 year, 2 year, 3 year या 5 year, तो अब 2 या 3 लोग खोल सकते हैं जॉइंट अकाउंट।
मिनिमम अमाउंट फॉर अकाउंट ओपन, तो जो न्यूनतम राशि है वो 1000 है, यानी न्यूनतम 1000 रुपये का TD का खाता खुलेगा, और उसके बाद जो भी अमाउंट होगा वो रुपीज़ 100 के मल्टीपल में होगा TD अकाउंट ओपन करने के लिए। नंबर ऑफ टाइम्स एक्सटेंशन अलाउड, ठीक है, तो कितनी बार को TD को एक्सटेंड किया सकता है, तो एक्सटेंशन अलाउड ओनली ट्वाइस आफ्टर इनिशियल रीपेमेंट डेट। तो किसी भी TD अकाउंट को, TD डिपॉजिट को, यानी सावध जमा खाते को दो बार जो है इनिशियल रीपेमेंट की डेट से दो बार अब एक्सटेंशन अलाउड है। आगे देखते हैं एक्सटेंशन में एक्सटेंडेड द अकाउंट फॉर विच इट वॉज इनिशियली ओपेंड, टाइम लिमिट फॉर ऑप्शन एक्सटेंशन आफ्टर मेच्योरिटी, 1 ईयर TD अगर है तो उसको 6 मंथ, 2 ईयर TD है तो उसको 12 मंथ, 3 ईयर TD है तो उसको 18 मंथ, और 5 ईयर TD है तो उसको 18 मंथ के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब मे लिमिट कुछ इनिशियली ओपन, जैसे 1 ईयर की TD को 1 ईयर के लिए किया जाएगा, और जो ऑप्शन है एक्सटेंशन का मेच्योरिटी के बाद आपको इतने मंथ में देना होगा कि मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ। चलिए इंटरेस्ट रेट फॉर PMC ऑफ 2 ईयर TD, 3 ईयर TD, 5 ईयर TD आफ्टर 1 ईयर, अगर जैसे PMC माने प्री मेच्योर क्लोजर, अगर आपको किसी को अपनी समय से पहले बंद कराना चाहते हैं, 2 ईयर TD, 3 ईयर, 3 साल, 5 साल को, 1 साल अगर चल चुकी है, तो शर्त क्या है, फॉर कंप्लीटेड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एट रिड्यूस्ड रेट ऑफ 2% लेस देन द रेट स्पेसिफाइड फॉर कंप्लीटेड ईयर। जो आपका कंप्लीटेड ईयर है तो जो भी चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है उससे 2% को घटा करके जो रेट स्पेसिफाइड होगा वो प्रत्येक कंप्लीटेड ईयर के लिए दिया जाएगा। अब फॉर कंप्लीटेड मंथ रेट अप्लीकेबल टू पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, तो जो जैसे मान लीजिए कोई TD है 3 ईयर है, अब मान लीजिए वो 2 साल 2 महीने पे आप उसका प्री मेच्योर क्लोजर कराना चाहते हैं 2 ईयर 2 मंथ के आफ्टर, तो उसमें क्या होगा कि 2 साल के लिए आपको जो है 2% लेस करके जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट होगा वो दिया जाएगा, और जो 2 महीने का पीरियड उसमें आपको SB का जो भी इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल है वो आपको दिया जाएगा। प्लेज फी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले TD अकाउंट को प्लेज कराने के लिए किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं थी, अब TD को प्लेज कराने की फ़ीस है ₹100 प्लस GST, यानी ₹100 प्लस ₹18 GST के ₹118। प्लेज रिलीज फी, अब किसी भी प्रकार की प्लेज रिलीज फी किसी भी स्कीम में नहीं है। चलिए बात करते हैं MIS की, मिनिमम अमाउंट फॉर अकाउंट ओपन, तो अब MIS न्यूनतम 1000 रुपये से खुलेगा, और जो मल्टीपल होगा वो भी ₹1000 का ही होगा, यानी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 से लेकर के जो आपकी लिमिट है सिंगल अकाउंट की 4.5 लाख और जॉइंट अकाउंट की 9 लाख, तो ये 1000 के मल्टीपल में MIS खुलेगा। बात करते हैं SCSS की, SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता। मिनिमम अमाउंट फॉर अकाउंट ओपन, यानी कितनी की न्यूनतम राशि जो है खाता खोलने के लिए अनिवार्य है, तो इसमें भी ₹1000 और 1000 का मल्टीपल। PMC, अब इसका प्री मेच्योर क्लोजर के लिए पहले लॉकअप पीरियड था, अब लॉकअप पीरियड हटा दिया गया है। इफ़ अकाउंट इज क्लोज बिफोर 1 ईयर द पेड इंटरेस्ट शैल बी रिकवर्ड, तो शर्त यह दे दी गई कि अगर मुझे किसी भी SCSS खाते को आप 1 साल से पहले बंद कर देते हैं, तो जो भी इंटरेस्ट आपको पता है, आपको क्वार्टरली पेड होता है, तो जो भी इंटरेस्ट आपका दिया गया होगा वो आपसे प्रिंसिपल अमाउंट से रिकवर कर लिया जाएगा। अनेक्जर फर्स्ट, आप लोगों को पता है कि AOF में एक अनेक्जर फर्स्ट रहता था, SCSS के लिए उसको भरना होता था, उसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया। पहले एक क्वेश्चन आता था कि अनेक्जर फर्स्ट इन द AOF फॉर्म इज़ यूज फॉर, यानी अनेक्जर फर्स्ट जो AOF फॉर्म में लगा होता है वो किस खाते के लिए यूज किया जाता है, तो वो SCSS के लिए यूज किया जाता था, अब उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। अगला कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अकाउंट बाई स्पाउस ऑन डेथ ऑफ डिपॉजिटर, जैसे मान लीजिए कि किसी भी, आपको पता होगा कि SCSS खाते को जो है जो स्पाउस यानी होल्डर की, जैसे पति ने खुलवाया तो पत्नी, पत्नी ने खुलवाया तो पति, उसको कंटिन्यू कर सकता था। अब इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ, पढ़ता हूँ। इन केस ऑफ ए जॉइंट अकाउंट और वेयर द स्पाउस इज द सोल नॉमिनी, द स्पाउस में कंटिन्यू द अकाउंट ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन एज स्पेसिफाइड अंडर दिस स्कीम इफ द स्पाउस मीट्स एलिजिबिलिटी कंडीशन अंडर द स्कीम ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। आसान भाषा में कहें तो अब जो है जो स्पाउस है, चाहे पति ने खुलाया है पत्नी, और पत्नी ने अगर अकाउंट ओपन किया तो पति इस खाते को तभी कंटिन्यू कर सकता है जब वो शर्तें पूरी करता हो। जैसे मान लीजिए कि SCSS अकाउंट ओपन करने के लिए मान लीजिए आपको
वरिष्ठ नागरिक होना अनिवार्य है। तो पत्नी का उस समय जब डेथ हो रही है स्पाउस की यानी अकाउंट होल्डर की, तो जो भी स्पाउस है अगर वो खाता खोलने की सभी शर्तों को पूरा करता है तभी वो SCS अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है डिपॉजिटर की डेथ के केस में। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अकाउंट बाई स्पाउस ऑन डेथ ऑफ डिपॉजिटर, सेम चीज़ उसकी सेकेंड शर्त है, द स्पाउस शुड नॉट हैव सेपरेट SCS अकाउंट फॉर कंटिन्यू द अकाउंट। अब सपोज कीजिए कि स्पाउस यानी पति पत्नी दोनों ने अगर अलग अलग खाते दो खाते खुलवा रखे हैं, तो अगर आपके स्पाउस की डेथ होगी तो स्पाउस उस खाते को कंटिन्यू नहीं कराना करा पाएगा और उस खाते को उसको बंद कराना होगा। दोनों ही अमेंडमेंट SCS का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं पोस्टल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल, जिसका मेन उद्देश्य विभागीय परीक्षाओं में खासकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ के अभ्यर्थियों की सहायता करना, कंटेंट को हिंदी में बताना, और जो इंग्लिश भाषी हैं जो अंग्रेजी वाले क्षेत्र हैं उनके लिए इंग्लिश में कंटेंट उपलब्ध कराना, ताकि दोनों लोगों को परीक्षाओं में फ़ायदा हो सके। अगला है PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड लोक भविष्य निधि खाता। अकाउंट कैन ओपन, पहले आपको पता होगा कि सिंगल हैंड में खाते नहीं खुलते थे, अब सभी डिपार्टमेंटल पोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, सभी प्रकार के विभागीय डाकघरों में और अधिकृत बैंकों में अब PPF खाते खोले जाएंगे। मिनिमम अमाउंट फॉर अकाउंट ओपन, PPF खाता ₹500 से खुलेगा, यानी न्यूनतम रकम ₹500 है। मिनिमम अमाउंट फॉर सब्सिक्वेंट डिपॉजिट, एनी सम ऑफ मल्टीपल ऑफ ₹50, यानी 500 से खाता खुलेगा, उसके बाद जब आप जमा करेंगे तो वो 50 के मल्टीपल में होगा, जैसे 50, 100, 150, 200 आदि। नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट पर ईयर पर फाइनेंशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, अब कोई भी लिमिट नहीं है PPF खाते में, अब आप जितनी बार चाहें उतनी बार PPF खाते में डिपॉजिट कर सकते हैं। चलिए लोन इंटरेस्ट, PPF अकाउंट में लोन मिलता है, मैंने आपको सेविंग बैंक के मास्टर वीडियो में बताया था। अब उसमें क्या है कि इंटरेस्ट क्या है, अब जो उसको 2% इंटरेस्ट था पहले उसको घटा करके 1% कर दिया गया है, 1% इफ़ लोन इज फुली रिपेड विद इन 36 मंथ, अगर आप 36 महीने के अंदर यानी 3 साल के अंदर अगर आप इंटरेस्ट पे कर देते हैं तो आपको लोन पे कर देते तो आपको 1% इंटरेस्ट दे होगा। विड्रॉल वाइल आउटस्टैंडिंग लोन, अगर आपने लोन ले रखा और वो अमाउंट स्टैंड करता है तो विड्रॉल की क्या प्रोसीजर है, नॉट अलाउड, ओनली वेन लोन अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पेड विड्रॉल इज अलाउड, यानी अगर आपने लोन ले रखा है और आपने लोन का भुगतान यानी कि ऋण का भुगतान नहीं किया तो आपको विड्रॉल अलाउड नहीं होगा। यानी सीधी बात अगर करें तो विड्रॉल केवल तभी अलाउड है जब आपने लोन को पेड कर रखा है। अनएक्सर फर्स्ट, SCS में भी अनएक्सर फर्स्ट यूज होता था, AOF में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में, और PPF में भी, तो वहाँ भी डिसकंटिन्यूड कर दिया गया और PPF में भी इसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। देखिए PMC कंडीशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, PMC माने प्री मेच्योर क्लोजर, अगर किसी को आप परिपक्वता अवधि से पहले बंद कराना है या आप परिपक्व क्लोज कराना चाहते हैं तो उसके अमेंडमेंट हुए हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज ऑफ द अकाउंट होल्डर हिज स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स, यानी कि कोई आपको ऐसी भयंकर बीमारी हो जाती है जिससे आपकी जान माल जान को खतरा है, चाहे जो है अकाउंट होल्डर को हो जाए या उसके स्पाउस यानी पति पत्नी को हो जाए या उसके बच्चों को हो जाए या उसके पेरेंट्स यानी अभिभावकों को हो जाए, तो ऐसी दशा में खाता क्लोज हो सकता है। हायर एजुकेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, खाता धारक के जो है उच्च शिक्षा ग्रहण करनी हो या उसके बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करनी हो, ऐसे केस में भी प्रीमेच्योर क्लोजर हो सकता है। ऑन चेंज इन रेजिडेंसी स्टेटस ऑफ द अकाउंट होल्डर ऑन प्रोडक्शन ऑफ कॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड वीजा और इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस अगर चेंज होता है, नागरिकता चेंज होती है या वो मान लीजिए NRI हो जाता है, भारत से नॉन NRI हो जाता है, तो ये डॉक्यूमेंट है उसको रेजिडेंसी स्टेटस अपना प्रस्तुत करे, चाहे एक पासपोर्ट दे या वीज़ा दे या इनकम टैक्स के पेपर दे, तो ये खाते को प्रीमेच्योर क्लोज किया जा सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। SSC की बात करते हैं, प्रूफ ऑफ DOB, अब बर्थ सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कि अब आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। बीच में अमेंडमेंट्स हुए थे, आपको याद होगा कि पासपोर्ट है या आधार कार्ड है इसको भी वैलिड DOB प्रूफ माना गया था, लेकिन अब सीधे बर्थ सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी SSC के खाता खोल रहे हैं आप तो आपको जन्म प्रमाण पत्र लेना अब अनिवार्य है। फॉर ओपनिंग ऑफ मोर देन 2 अकाउंट्स,
एन एफिडेविट बाई द गार्जियन सपोर्टेड विद बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ ट्विन स्टेपलेट रिगार्डिंग द बर्थ ऑफ सच मल्टीपल गर्ल चिल्ड्रन। एक आप जानते हैं कि आप पहले दो ही खाता ऐसे ऐसे खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए आपकी बर्थ जो है ट्विंस या ट्रिपलेट्स, दो या दो से अधिक बच्चे होते हैं, तो पहले मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि आपको डॉक्टर का प्रमाण पत्र देना था। अब उसकी जगह कर दिया गया है कि आप एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र दे सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र के साथ, तो आपका खाता दो से अधिक भी खुल जाएगा। मिनिमम अमाउंट अभी भी अब जो है 250 रुपये है मिनिमम अमाउंट फॉर सबसिक्वेंट डिपॉजिट, और ये 50 के मल्टीपल में यानी अगर आप खाता 250 से खुलवा लेते हैं तो आप न्यूनतम 50 रुपये या 100 रुपये 50 के मल्टीपल में जमा कर सकते हैं। नॉमिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, पहले SSC में नॉमिनेशन की फैसिलिटी नहीं थी, अब SSC में नॉमिनेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। इफ़ एनी डिफॉल्ट इज नॉट रेगुलराइज विद इन 15 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग, ठीक है, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। पहले मान लीजिए कोई आपका डिफ़ॉल्ट है, कोई ये आपने उसको रेगुलराइज नहीं किया है, तो आपको SB का इंटरेस्ट रेट दिया था, अब कह दिया गया है कि अगर आपका डिफ़ॉल्ट भी कोई रेगुलराइज नहीं है तो जो भी SSA का रेट होगा क्लोजर ऑफ अकाउंट तक वो आपको दिया जाएगा। इफ़ गर्ल चाइल्ड बिकम्स NRI PMC नॉट अलाउड अकाउंट कैन बी कंटिन्यू टिल मेच्योरिटी, तो पहले क्या था कि अगर गर्ल का आपका रेजिडेंसी स्टार्ट है हमारी NRI हो जाती तो आप PMC क्लोजर प्रीमेच्योर क्लोजर अलाउड था, तो अब सीधा जान लीजिए कि गर्ल आपके अगर विदेश में रहने लगती है NRI हो जाती है उसका स्टेटस, तो प्रीमेच्योर क्लोजर उसका अलाउड नहीं है, आपको खाता जो है मेच्योरिटी तक चलाना होगा। PMI पहले SSA में PMI दे नहीं था, PMI मतलब पोस्ट मेच्योरिटी इंटरेस्ट यानी परिपक्वता के बाद में जो है ब्याज, अब अगर आपका मेच्योर हो गया तो PMI दे है, बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है। बात करेंगे NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की यानी राष्ट्रीय बचत पत्र भी जिसको हिंदी में कहते हैं। मिनिमम अमाउंट फॉर अकाउंट ओपन, तो न्यूनतम आपका 1000 रुपये से खुलेगा और आगे की राशि मल्टीपल ऑफ रुपीज़ 100 100 रुपये की उसमें होगी। ओपनिंग ऑफ माइनर अकाउंट, तो अगर NSC का माइनर अकाउंट है तो केवल गार्जियन के द्वारा ही अब खुलेगा, ओनली बाई गार्जियन। ज्वाइंट अकाउंट 2 or 3 अडल्ट कैन ओपन, अब इसको बढ़ा दिया गया 2 या 3 अडल्ट को ज्वाइंट कर सकते हैं। प्लेज फी को बढ़ा दिया गया 100 प्लस GST यानी कि 100 रुपये और GST अलग से यानी कि 100 प्लस 18 यानी कि 118 रुपये आपको NSC का प्लेज फी देना पड़ेगा। प्लेज रिलीज फी, मैंने आपको बताया कि आप किसी भी खाते की रिलीज फी दे नहीं। इंटरेस्ट रेट फॉर PMC प्री मेच्योर क्लोजर, अब आपको पता होना चाहिए कि NSC का प्री मेच्योर क्लोजर अलाउड है, क्लोज बिफोर 1 ईयर कोई इंटरेस्ट आपका दे नहीं है, आफ्टर 1 ईयर बट 3 ईयर SB रेट। 1 साल से पहले आप करा लेंगे तो आपको कोई भी इंटरेस्ट NSC में दे नहीं होगा, 1 साल से अधिक और 3 साल से पहले करा लेंगे तो आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट, और आफ्टर 3 ईयर तो एज पर टेबल जो टेबल में दिया है वो आपको देना होगा। KVP यानी किसान विकास पत्र, मिनिमम अमाउंट फॉर अकाउंट ओपन 1000 एंड मल्टीपल ऑफ 100। अगर मोटा मोटा कहा जाए तो NSC और KVP का सेम मिनिमम अकाउंट है। ओपनिंग ऑफ माइनर अकाउंट ओनली बाय गार्जियन, सेम NSC की तरह केवल गार्जियन के द्वारा माइनर का खुलेगा। ज्वाइंट अकाउंट 2 or 3 अडल्ट कैन ओपन, 2 या 3 अडल्ट कैन ओपन खाता खोल सकते हैं, मतलब KVP ले सकते हैं, सेम एज NSC यानी NSC की तरह। प्लेज फी 100 प्लस GST यानी 100 प्लस 18 रुपये, GST अलग यानी 118 रुपये जैसा कि NSC में भी है। प्लेज रिलीज फी, किसी भी प्रकार की रिलीज फी नहीं दे। तो दोस्तों ये थे बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, आशा करता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपके जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है MTS पोस्टमैन वहाँ से ज़रूर आएंगे। लोग मुझसे कहते हैं सर पोस्टमैन का वीडियो बनाएं PA का बनाएं, तो मैं धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य समय नहीं ठीक रह रहा, मैं प्रयास कर रहा हूँ, चूँकि मेरी आवाज़ आपको लग रहा होगा कि काफ़ी गला बैठा हुआ है, बहुत लोग तो ये भी कमेंट करते हैं कि आपकी आवाज़ हगला रही है, तो ये उन कारणों से है, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो कम बना रहा हूँ, तो मैं कॉमन वीडियो बना रहा हूँ। इसको देखिए सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक, अब तक आपने देखा मेरा चैनल पोस्टल एग्ज़ाम गुरु, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो उसको लाइक करिए, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो उसको कमेंट करिए, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप हो, जो आपके मित्र तैयारी कर रहे हैं उनके बीच ये वीडियो शेयर करिए। और अंत में आपसे एक आशा रखूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे जो भी मैं वीडियो कभी भी बनाऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिले। रोज़ शाम को एक बार सोने से पहले
एक बार ज़रूर अपने सब्सक्रिप्शन में जा करके देखें कि मेरा कोई वीडियो आया है कि नहीं आया। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। ये रही पीडीएफ की बात, तो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मेरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं सर व्हाट्सएप में क्या रहता है एक्चुअल में, कि काफ़ी कम सिक्योर है, इसलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में विश्वास भी नहीं रखता हूँ, और व्हाट्सएप में लिमिटेड लोग आ सकते हैं, 200 कुछ लोग आ सकते हैं, तो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप चलाना भी जो है संभव नहीं, इसलिए मैंने इसको टेलीग्राम पे बनाया। टेलीग्राम अगर आप ना जानते हो तो टेलीग्राम एक ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही है। तो दोस्तों पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ें, वहाँ मैं पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ। इसी के साथ आप दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स लाएँ।